प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने आवास को तोड़ पक्का बनाने प्रशासन से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का इंतजार कर रहे उरला निवासियों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब व झुग्गी झोपड़ी वालों को पक्के मकान बनाने के लिए योजना द्वारा प्रोत्साहन राशि देकर उनके पक्के मकान का सपना साकार करने के लिए प्रशासन द्वारा राशि दी जाती है। इसी उम्मीद पर गरीबों ने अपने मकान तोड़ अपनी जमा पूंजी से स्वयं अपने मकान बनाने में लगा दिया है। अभी तक शासन और प्रशासन से योजना के तहत कुछ भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। इसी कड़ी में सोमवार को दुर्ग के उरला वार्ड निवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, आवास की किस्त दिलाने गुहार लगाई। सरकारी घर के फार्म भर रहे अभी तक आए नहीं, बजट हमन तो घर लोट डरे हन। अब कहाँ रही हमन किराया, मतलब कितना दिन से रह सकत हमन किराया में। अब किराया का पैसा तो जो हमन खाना पीना लगाते तो किराया देबो कि घर चलाबो। तो सरकारी बजट हमें मिलना चाहिए और अगला उठाने के लिए आगे। समस्या और बहुत गंभीर समस्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान मेरा सपना मेरा मकान के तहत किस प्रशासन से ने उनको सपने दिखाए या हमको सपने दिखाए हैं और हमने उस सपनों के आधार पर मकान तोड़ दिए और हमारे मकान तोड़ दिया और ये कहा गया है कि आपकी किस जल से जल आ जाएगी। हमारे पास जो पैसा था, जो धनराशि हमने गरीबी स्थिति में जमा किए थे, तो वो तो हमने अपने स्वयं लगा दिया, लेकिन अब अभी तक 4 महीना 3 महीना होने के बाद भी हमारी एक भी किस्त हमारे खाते में नहीं है, जिसके तहत अब हम क्या करें और किस तरह से रहें ये मजबूर हो गया। बारिश का मौसम आ चुका है, घर टूटे पड़े हैं, परिवार को हम कहाँ ले जाएं और किस घर में रखें, किराए के मकान में कितना दिन रहे और किराया देने में भी असमर्थ है। ऐसी परिस्थिति में हम शासन प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जो उन्होंने हमें सपना दिखाया था पक्के मकान का, तो पक्के मकानों को सपना साकार करने के इसमें हमारे खातों में राशि डालें ताकि हम अपने मकान को कंप्लीट कर सकें और अपने स्वयं मकान में रहें और बारिश से पूर्व हमारे मकान कंप्लीट हो जाए। क्या चाहते हो अभी आज? हम आज कलेक्टर्स के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करने आए कि प्रशासन प्रशासन से हमारी खातों में किस्त राशि डाली जाए और हम अपने मकान को उस राशि से द्वारा पूर्ण किया जाए। गौरतलब है कि पक्के मकान की योजना के तहत इन गरीबों ने अपने मकान तोड़ दिए हैं और उन मकानों को आगे बनाने में वो असमर्थ हैं। वहीं आगामी जो मानसून की दस्तक के साथ ही इन बेघर लोगों को आधे अधूरे आवास पर रहने की चिंता सता रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।